बिहार में एक कहावत बड़े अपने छोटे बच्चों को कहते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ठीक इसी कहावत को दोहराते हुए बिहार के बेटे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में जब आप अपने माता पिता से कहेंगे कि आप क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे हमेशा नहीं कहते हैं। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं और अच्छी नौकरी पाऊं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिनका चयन इंडिया ए टीम में हुआ है। जी हाँ, बिहार के लाल मुकेश कुमार का चयन इंडिया ए टीम में हुआ है। आपको बता दें कि मुकेश का चयन बतौर गेंदबाज के रूप में हुआ है। मुकेश के चयन के बाद से जिले के साथ ही प्रदेश में उमंग और उल्लास देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुकेश गोपालगंज जिले के काकड़कुंड गांव के रहने वाले हैं। मुकेश बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। पिछले साल उनके पिता काशीनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। बता दें कि उनके पिता कोलकाता में ऑटो चलाते थे और माँ गृहिणी है। मुकेश क्रिकेट खेलते हुए लोगों की नज़र में पहली बार तब आए जब गोपालगंज में प्रतिभा की तलाश प्रतियोगिता में अपनी गेंदबाजी के बदौलत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस प्रतियोगिता में 7 मैच में उन्होंने 1 हैट्रिक के साथ ही 34 विकेट अपने नाम कर लिए। इसके बाद उन्हें जमुई जिला टीम में जगह मिल गई। इसके बाद स्टीयरिंग कमेटी के अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुकेश ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उस समय के बाद बिहार में क्रिकेट की मान्यता ही रद्द कर दी गई, जिसके बाद मुकेश को बंगाल जाना पड़ा। लेकिन जब वो बंगाल गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मुकेश का प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी में शानदार रहा। उन्होंने 2 सीजन में 30 विकेट अपने नाम कर चयनकर्ताओं को चुनने पर मजबूर कर दिया। आज मुकेश भारतीय टीम ए की तरफ से न्यूजीलैंड के लिए खेलने को तैयार हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए मुकेश ने बताया था कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रोजेक्ट विजन 2020 का अपना अनुभव उन्होंने साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 200 से 250 क्लब क्रिकेटरों में से मुझे कैंप में चुना गया। बकार यूनिस, मुथैया मुरलीधरन और BBS लक्ष्मण को शिविर के लिए कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि 26 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और 2.73 की इकोनॉमी से 95 विकेट अपने नाम कर लिया। विजन 2020 कैंप में जब चयनकर्ता उनका नाम पुकार रहे थे, मुकेश बाथरूम में थे। जब वह लौटे तो चयनकर्ताओं के पास गए और बताया कि उन्होंने जवाब देने के समय क्यों इतना समय लिया। इसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें गेंदबाजी करने का मौका दिया। उन्हें चुना गया क्योंकि बकार यूनिस उनकी गेंदबाजी से खूब प्रभावित हुए थे। जब मुकेश ने अपने करियर की शुरुआत की तो शुरुआती चरण में ही उन्हें देश के महान क्रिकेटरों के साथ मिला। उन्हें पूर्व तेज गेंदबाज रणदेव बोस ने उन्हें गेंदबाजी का गुर सिखाया। उसके साथ साथ उन्हें जॉयदीप मुखर्जी का भी साथ मिला। अगर हम उनके मेंटरशिप की बात करें तो उन्हें मनोज तिवारी ने शुरुआती समय में उनका साथ दिया। उसके बाद उन्हें अरुण लाल का भी साथ मिला और अब यह समय आ गया था कि जब वे अपनी प्रतिभा के बदौलत आगे बढ़ रहे थे तो इसी रास्ते में उन्हें रिद्धिमान साहा का साथ मिला। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी, उस समय मोहम्मद शमी ने मुकेश कुमार और आकाशदीप को बुलाकर गाइडेंस दिया था। हालांकि मुकेश ने यह भी बताया कि घर परिवार चलाने के लिए उन्हें ऊपरी नौकरी करने का दबाव भी आता रहा। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जब आप अपने माता पिता से कहेंगे कि आप क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे हमेशा नहीं कहते हैं। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूं और अच्छी नौकरी पाऊं। आज मुकेश की ही यह इच्छा नहीं है कि वह देश के लिए खेले, पूरे बिहार की इच्छा है कि वह ईशान किशन की तरह बिहार का एक और बेटा भारतीय टीम में अपनी जगह बनाए और प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन करे। बिहारी न्यूज़ टीम की तरफ से मुकेश कुमार को ढेर सारी शुभकामनाएं। वह भारतीय टीम में खेलें और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।